यस uh, yes, मेरा ना प्रेजेंटली चल चल रहा रहा है है इसके लिए अभी चल रहा, का सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड आप वहां पे उसको रिव्यू कर सकते हो चलिए शुरू करें आज की क्लास ओके okay. आज का मेरा टॉपिक है डायरेक्ट uh, टैक्सेस का आई जस्ट बी एंडिंग द डायरेक्ट टैक्स मूव ऑन करेंगे जीएसटी की तरफ राइट right? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दैट इज ए और बी आर लीगल हायर्स ऑफ सी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसके लीगल हायर है तो वो कह रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ सी ए एंड बी कैरी ऑन द बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप व्हाट इज देयर स्टेटस तो वो क्या है क्या वो कंपनी है क्या वो एलएलपी है क्या वो एओपी uh, है या फिर वो तो फर्म है हाउ डू यू डिफाइन इट

हेलो ठीक है सो यहां पर आंसर आपका आ जा रहा है फॉरेन इनकम का मतलब क्या होता है साउंड के इश्यूज आ रहे हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ओके okay. ओके एम आई ऑडिबल नाउ इज इट सॉर्ट नाउ चलिए फॉरेन इनकम कौन सी इनकम okay. होती है या yeah, अब ये सॉर्ट हो गया चलिए शुरू करें आगे थैंक यू फॉरेन इनकम कौन सी इनकम होती है पता है फॉरेन इनकम हमारी वो इनकम होती है जो कि ना uh, हमें वो पैसा है जो इंडिया से नहीं आता बेसिकली फॉरेन इनकम का मतलब होता है जो आपको इंडिया से बाहर का पैसा होता है नहीं नहीं जीएसटी तो आ ही रहा है जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस विल बी डिस्कसिंग दैट इज वेल ओके चलिए आई थिंक अब साउंड वाला पूरी तरह सॉल्व हो गया ना अब चलते हैं आगे okay. अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि फॉरेन इनकम कौन सी इनकम होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन इनकम फॉरेन इनकम हमारी वो होती है जो कि हमारे बिजनेस जो इंडिया से नहीं आती है बेसिकली एनी इनकम विच डॉट अक्रू और अराइज इन इंडिया उसको हम लोग कहते हैं फॉरन इनकम सो वेन वी डिफाइन द फॉरन इनकम इट इज़ दैट इनकम विच डॉट अक्रू और अराइज इन इंडिया इनकम अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया अगर रिसिव्ड में होगी तो वो इंडियन इनकम बन जाएगी तो वो दोनों के दोनों फॉरन इनकम के हिसाब से यहाँ पर नन ऑफ दब हो जाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं दीज बोथ इनकम्स आर इंडियन ठीक है हम इसको डिफाइन करते हैं इंडियन इनकम देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारी बेसिक एक्सम्पन क्या है बेसिक एक्सम्पन लिमिट जो एक एच को मिलती है वो क्या है टू लाख टू लाख फिफ्टी थ्री लाख और फाइव लाख जब हम बात करते हैं बेसिक एक्समशन लिमिट की जो एक एच पर लगती है एच और इंडिविजुअल पर सेम लगती है सो so उनका जो होता है वो होता है जीरो टू टू लाख फिफ्टी उनके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगता ठीक है तो उसके हिसाब से द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज टू लाख फिफ्टी इंडिविजुअल सेम रहता है इसमें ठीक है तो इट इज टू लैख फिफ्टी इज बी अब अगला आता है बेसिक एक्समशन क्या मिलती है हमारे पर्सन जो हैं है अबाव 80 वालों का सिस्टम क्या रहता है जो अबाव 80 है उनके केस में ये होता है अब एटी होने पर दे आर कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन तो जैसे हमारा होता है एक जो बिलो सिक्सटी होता है उनका स्लैब रेट है जीरो टू टू लाख फिफ्टी फिर आपका आ जाता है टू लैख फिफ्टी टू फाइव फिर आता है आपके पास फाइव लाख टू टेन लाख ये स्लैब्स स्लैब इसमें कोई नहीं होता टैक्स फाइव परसेंट होता है और इसमें सीधा आपके पास 20 है तो ये फाइव परसेंट वाला स्लैब है ना इस स्लैब के अंदर ये पूरा स्लैब मर्ज करके ना जीरो टू फाइव लाख का स्लैब बन जाता है जो कि सीनियर नहीं सुपर सीनियर सिटीजन है तो सुपर सीनियर सिटीजन केस में आपका जो स्लैब है वो शुरू होता है फाइव लाख एंड एव से सो करेक्ट आंसर इज ठीक है नेक्स्ट इज वॉट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन द कंपनी हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स लॉ और अंडर एनी अदर लॉ अक्टूबर 31 वन फॉर द असेसमेंट ईयर देन नवंबर थर्टी एर्थ ऑफ द असेसमेंट ईयर जुलाई थर्टी वन ऑफ द असेसमेंट ईयर या फिर जून ये है आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न मतलब जिस टाइम पर हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं आपके ना उसमें आया भी हुआ है कि टी डी एस और टी का जो है ये इम्पोर्टेंट है एडवांस टैक्स और रिटर्न फाइलिंग ये सारे उन्होंने ना इम्पॉर्टेंट बताए हुए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so अगर आप उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपकी ड्यू डेट होती है उसके हिसाब से जो इंडिविजुअल एन एच यानी नॉर्मल पर्सन जिनको ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उनकी ड्यू डेट होती है थर्टी ऑफ जुलाई ट्वेंटी जैसे इस बार की थी थर्टी ऑफ जुलाई ट्वेंटी ठीक है जब आपका वो साल खत्म होता है उसके नेक्स्ट जो आपका असेसमेंट ईयर जब शुरू हो जाता है उस असेसमेंट ईयर का जुलाई थर्टी फर्स्ट जो होता है ना वो आपको उस दिन क्या करना होता है उस टाइम तक आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी होती है राइट रिसेंटली इन्होंने ना अपना पोर्टल भी चेंज किया पहले इनका था इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन और अब ये लोगों ने इनकम टैक्स का अपना एक नॉर्मल वेबसाइट uh, मतलब सिंपल टर्म्स uh, के अंदर उसने उन्होंने उसको शुरू किया हुआ है उसका पोर्टल बनाया उस पोर्टल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास प्रीवियस थी वो वहाँ पर गई है और आपकी रिटर्न फाइलिंग सारी उसके थ्रू होती है ठीक है अब एक और क्वेश्चन उसी के साथ का एक सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी इंडिविजुअल है उनकी एज जो है वो एट्टी ईयर्स से ऊपर है आ, किसी भी ईयर में मतलब अगर आपका जो प्रीवियस ईयर है ना उस ईयर में कभी भी इवन थर्टी फर्स्ट मार्च को भी कोई एट्टी ईयर्स का होगा तो वो उस पूरे साल के लिए एट्टी ईयर्स का काउंट होगा कैन फाइल द रिटर्न इन पेपर फॉर्म इफ ही इज फाइलिंग वो पेपर फॉर्म में भी फाइल कर सकता है कौन सा आई टी आर वन आई टी आर टू आई टी आर फोर और आई टी आर वन या आई टी आर फोर

या फिर income from card games. कौन से वाला होगा इस केस के अंदर बताइए हम लोग जब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं मतलब विद इन द हेड अगर आप और में adjustments कर रहे हैं, तो जो विद इन द हेड वाली एडजस्टमेंट्स है उसमें अगर अपने पास कोई लॉस होता है ये ना बड़े um, से ना इंटरकास्ट वाले रिलीजन से हो जाते हैं ये वो वाला सेनारियो है कौन सा इस पर्टिकुलर केस का लॉस के साथ में एडजस्ट कर ही नहीं सकते ये सिर्फ और सिर्फ अपने हेड के अंदर एडजस्ट होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस द करेक्ट आंसर ये उसके अंदर एडजस्ट होते हैं ठीक है सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी क्योंकि ना ये आपका जो हॉर्स रेसेस है ठीक है ये हो गए आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गई ये कुछ ऐसे है जो अपने ही हेड के इन और अपनी ही जैसी इनकम के साथ में एडजस्ट होता है अगर हॉर्स रेसेस से आपको लॉसेस हुआ है तो जब इससे आपको प्रॉफिट्स होगा ना तभी एडजस्ट होगा वरना ये पड़ा है तो ये पड़ा ही रहेगा उसका कुछ कर नहीं सकते हैं ये इसका रूलिंग रहता है नेक्स्ट इज द प्रोसेस सॉरी The process of adjustment of loss from the source under a particular head of income against income from other sources under the same head is called एक प्रक्रिया जिसमें आप लास्ट एक ही हेड के अंदर है और जो लास्ट जो under the same हेड है मतलब अगर मैं house property की बात करती हूँ तो मेरे पास दो houses है house property A और house property B एक जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें अपना लॉस बुक होगा वो नेगेटिव बुक होगा और जिसमें ऑलरेडी पैसा है वो पॉजिटिव में चल रहा है तो आप इनको जब एडजस्ट कर सकते हो तो उसे आप क्या कहोगे अगर विद इन द ईयर एडजस्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं सेट ऑफ और अगर आप उसको अगले साल में इस साल सारा खत्म हो गया अगले साल तक उसको लेकर जा रहे हो दैट इज कॉल्ड कैरीड फॉरवर्ड सो वी टॉक अबाउट सेट ऑफ सेट ऑफ यानी ड्यूरिंग द ईयर जो एडजस्ट होता है और कैरी फॉरवर्ड यानी जो आगे वाले सालों में एडजस्ट होगा सो इट इज बेसिकली इंट्रा हेड जो इस केस में है. उसी हेड के विदिन अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो उसे कहते हैं हम इंट्रा हेड यानी उसी हेड के विद इन अगर हम उसको एडजस्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट एज पर सेक्शन टू जीरो एट एवरी पर्सन who has estimated tax liability of for the year exceeds dash shall pay his adva tax in advance in the form of advance tax उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना होगा फाइव ला फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और फाइव फिफ्टी थाउजेंड एफ सी आई के सिलेबस में उन्होंने स्पेशली डिफाइन किया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर स्पेशली एडवांस टैक्स ये प्रोविजन ऑफ टी डी एस पी सी एस रिटर्न फाइलिंग उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किए हुए हैं सो वन वी टॉक अबाउट दैट तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं आपके लिए एडवांस टैक्स यानी आपको uh, साल के विद ही विद इन द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर यू आर सपोज टू सबमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सो वेन यू आर सपोज टू डिपोजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी टेन थाउजेंड अगर टेन थाउजेंड से ऊपर का होगा तो पहले आपको एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए उसके लिए ठीक है सो ये आता है आपका यहाँ पर टेन का जस्टिफिकेशन क्या होती है इसकी एस पर टू जीरो एट हर एक पर्सन जो एस्टिमेटेड उसकी टैक्स लाइबिलिटी देखी जाती है एक साल के अंदर अगर टेन थाउजेंड से ऊपर उसका टैक्स बन रहा होगा तो उसको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है अगर कोई एडवांस टैक्स के टाइमली पेमेंट नहीं करता तो उसके पेनल्टीज लगती हैं उसको टू ए टू बी और टू सी की ठीक है सो ये डिफरेंट डिफरेंट पेनल्टीज़ उस पर अप्लाई होती हैं ओके okay. तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का uh, uh, पूरा सिनारियो आज हमने क्या किया हमने टैक्सेस uh, को कवर किया है सो आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी जीएसटी के साथ में ठीक है सो आई एल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस टॉपिक्स ऑफ जी इन द अपकमिंग क्लास सो उसमें हम लोग जी एस से आया उसकी छोटी सी एक ब्रीफ़ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी सो so, हम मिलते हैं मंडे की क्लास में जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं जीएसटी के साथ आ, रा, आ, राहुल अलग से एक बैच है मैं आपको एक बार उसकी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ सो आई थिंक आप उसको देख पाएंगे इसका एक स्पेसिफिक अलग से ही बैच बना हुआ है जिस सिर्फ जो एफ सी आई अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है सो जस्ट अ सेकेंड यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है वेबसाइट पर आप जाएंगे डब्ल्यू पर और वहाँ पर आपको नीचे मिल जाती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास एफ सी दिख रहा है एफ सी के अंडर ये रहा हमारा अकाउंट्स का बैच ठीक है ये आपका पूरा उसमें दिख रहा है जो सो so, यहाँ पर हमारे टाइमिंग्स हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी सो so, इसके अंदर आपको क्या करना है जस्ट यू जस्ट हैव टू गो टू द एरिया ऑफ़ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैलिटीज़ की सिक्स मंथ्स है द uh, जो डबल वैलिडिटी था वो ख़त्म हो गया सो इट इज़ यू कैन यूज़ द कोड वाई फाइव थ्री एट और उसे अप्लाई कर दीजिए और ये आपको मिल जाएगा वन एट थ्री नाइन रुपीज़ में ठीक है सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तो ये आपके पास अभी अवेलेबल है सो so, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं राइट right? चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर मैं जहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जी का एरिया थैंक यू एवरीवन